मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले खिलचीपुर में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह आज अलग ही अंदाज में नजर आए। जैसे राजनीति के पीच पर अन्य मंत्रियों की तरह विवादित बयान देने से बचते रहे, वैसे ही आज मैदान में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। मौका था खिलचीपुर क्रिकेट प्रीमियर लीग के शुभारंभ का। प्रियव्रत सिंह युवा विकास समिति द्वारा आयोजित निःशुल्क टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट स्टेडियम ग्राउंड पर शुभारंभ ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने देवी सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और सभी ने राष्ट्रीय गीत गाकर किया। इस मौके पर उन्होंने संबोधन में कहा कि खिलचीपुर प्रीमियर लीग का आयोजन के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने खिलचीपुर खेल स्टेडियम की दुर्दशा की चिंता करते हुए कहा कि यहाँ स्टेडियम रात्रि को पीने वाले और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, जिसके लिए पूरे स्टेडियम में बाउंड्री वाल बनाने और दुकान बनाने और एक गेट बनाए जाने की बात कही। वहीं बैठने के लिए कुर्सियां भी लगवाने की बात ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कही। मौके पर स्टेडियम में बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट विद्युत विभाग के CSR फंड से बनवाने की बात कहते हुए इस मौके पर उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में 16 सुपर टीमों का मैच होगा, जिसमें हर एक मंडलम को एक टीम जीती हुई टीम को इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इसमें विजेता टीम को 51,000 और उपविजेता टीम को 21,000 का पुरस्कार नगद दिया जाएगा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ये बता चुके हैं कि बरसों बाद इस मैदान की कायाकल्प हमने देखी है और इतने बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन काफी वर्षों बाद हम देख रहे हैं। मेरा उनसे यही कहना था कि साथियों, ये शुरुआत है। माननीय राजा साहब की सोच के बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूं कि उनकी सोच कहां तक इस खेल मैदान के बारे में और खिलाड़ियों के बारे में अवसरों को उपलब्ध करवाएगी। टूर्नामेंट की जो 16 टीमें अंतिम लीग में यहां सम्मिलित होगी, उन सबके 16 खिलचीपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभ अवसर पर इसका उद्घाटन आज हो रहा है और हमने ये प्रयास किया है कि जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं वो इस क्रिकेट के खेल का ना सिर्फ आनंद ले सके पर इसमें प्रतिस्पर्धा भी कर सके। इस उद्देश्य से आयोजित खिलचीपुर प्रीमियर लीग के आज खिलचीपुर के शुभारंभ के अवसर पर पधारे हमारे जितनी भी टीम के खिलाड़ी हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस प्रयास में आपने सहयोग किया, क्योंकि मेरा मानना है कि आयोजन तो हो सकता है पर उसमें पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। इसलिए सभी खिलाड़ियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच में विराजमान हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी आमला में इस प्रीमियर लीग का शुभारंभ कर रहे हैं और इस प्रीमियर लीग में हमने कुछ नियम बनाए। हम जाते थे, अक्सर लोग बुलाते थे, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है फलां सहसेवली कला गांव में हो रहा है, कभी जगदीश जी बोलते थे पीपिया कला गांव में हो रहा है, इनाम दीजिए, आयोजन कराइए, खेल की प्रतिभाएं बढ़ेंगी। पर हमने हमेशा एक चीज देखी कि जहां जाते थे वहां जब फाइनल में जाते थे तो उसी गाँव की टीम जीतती थी जो आयोजक करता होता था। मैंने बड़ा आश्चर्य का बात है, ऐसा कैसे होता है कि भारत में मैच हो भारत ही जीते, कभी श्रीलंका नहीं जीती, कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती। मतलब ये बड़ा गजब मामला हो रहा है। तो हमने ये प्रयास किया कि एक फेयर जजमेंट के साथ में सभी लोगों को मौका हम दें। और कई बार हम जाते कार्यक्रम में खिलाड़ियों से जब परिचय प्राप्त करते हाथ मिलाते जो टीम तो जामुनिया की और खिलाड़ी ब्यावरा के, अरे मैंने बोला भैया ये कैसा हो रहा है। आज हमने ये सुनिश्चित किया कि हम जो भी पार्टिसिपेशन रखेंगे, जो जिस गांव का है जिस वार्ड का है उस गांव में और उस वार्ड में खेले, उस गांव का ही पार्टिसिपेंट हो वो ही खेले और उसमें उम्र की सीमा भी हमने बनाई। अब सोमवारिया की टीम में जीरापुर का खिलाड़ी खेले कौन सी नियम है भाई, सोमवारिया की टीम है तो सोमवारिया का खिलाड़ी खेले, खिलचीपुर में फलाने वार्ड की टीम है तो वहां का खिलाड़ी खेले, किसी ग्राम पंचायत की टीम है तो वहां का खेले। तो कम से कम हमारे क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उस ऊपर के आए। हमने शुभारंभ इसका 30 दिसंबर को जीरापुर से किया। वहां पे मैं धन्यवाद दो और साथियों का देना चाहूंगा यहाँ पे, भाई अजय मुंडरा जी का जो इसमें संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार
अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ साथ अरविंद बंसल जी और शर्मा जी जो कोच के रूप में और इस टीम स्पिरिट यहां पे डेवलप कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा समय अपना जीरापुर के मैच में दिया। मैं अनुपस्थित रहता हूं कई बार, मैच हमेशा नहीं देखने आ सकता, पर आपका सहयोग जो हमें प्राप्त हो रहा है इसकी जानकारी हमें पूरी पूरी मिलती है। तो साथियों, मामला यह है कि हमने जीरापुर में शुरू करवाया, आज ही यही मैच खिलचीपुर में कर रहे हैं। इससे हम सुपर 16 16 ऐसी टीमों का चयन करेंगे जो इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से निकल के आएंगी। हर एक मंडलम में हमने एक एक टीम का एक एक टीम हमारी आएगी, और उन 16 टीमों का मैच यहाँ खिलचीपुर में होगा, जिसके बाद फाइनल संपन्न होगा। तो खिलचीपुर पूरे विधानसभा क्षेत्र का चैंपियन निकल के आएगा यहाँ से, तो ये टीम नहीं आएगी, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे उत्कृष्ट टीम है वो भी निकल के आएगी। द्वितीय विजेता भी रहेगा, तृतीय विजेता भी रहेगा, और विजेता होने से ज्यादा आवश्यकता है, आवश्यक ये है कि जो जो हमारी खेल की प्रतिभाएं हैं गांव गांव की, वो इस क्रिकेट टूर्नामेंट का लाभ ले सकेंगी, ये हमारा लक्ष्य है। ये नगर पालिका की कार्यकाल की आखिरी बैठक थी, शायद एक और बैठक 12 को करेंगे, तो हो सकता है आखिरी बैठक ना कहलाए, परंतु हमने प्रयास किया कि स्टेडियम ग्राउंड में जब तक चारों तरफ से बंद नहीं होएगा ये ग्राउंड, तब तक इस ग्राउंड को सुरक्षित रखना संभव नहीं है। हमने इधर और दुकानें बनाने का फैसला कर लिया, और इधर से इसकी बाउंड्री वॉल बनाएंगे, स्टेडियम नुमा बाउंड्री वॉल बनाएंगे, जिसमें बैठने की भी व्यवस्था होगी, कुर्सियां सभी जैसे यहाँ पर अब वहां पे इतनी ऊपर बना दी बैठने की व्यवस्था, तो वहां चढ़ ही नहीं पाता कोई, तो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो व्यवस्थित रूप से कम खिलाड़ी दर्शक वहां पर जाकर बैठ सके, ऐसा चारों ओर से इस ग्राउंड को सुरक्षित करेंगे। एसडीएम साहब भी यहाँ बैठे हैं, सीएमओ भी मेरी बात सुन रहे होंगे, ऐसा बनाएंगे कि एक गेट से ये ताला बंद हो जाए, गेट सुबह खिलाड़ियों के लिए खुले और शाम को खिलाड़ियों के जाने के बाद ताला बंद हो जाए, ताकि यहाँ पे जो असामाजिक तत्व है इधर उधर के लोग आ जाते हैं, कई तरह की मतलब आप सब जानते हैं क्या क्या होता है, यहाँ कांच की शीशियां पड़ी रहती है, यहाँ ये सारी बातें बंद हो, इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर एक वर्ष के भीतर हम इस कार्य को करने का हमारा लक्ष्य है, और एक वर्ष के भीतर हम इसको व्यवस्थित रूप से बंद कर देंगे। साथियों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि खेल की प्रतिभा बढ़ाने के लिए हमने अभी ये बाउंड्री वॉल बनाई है, पास में स्कूल है इसकी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हमारा उत्कृष्ट, यहाँ पर हम बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट बनाने जा रहे हैं, जिसको हमने हमारी विद्युत विभाग की जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सीएसआर फंड से करा है, अगली बार क्रिकेट के अलावा बास्केटबॉल का भी टूर्नामेंट करवाएंगे, ताकि व्यवस्थित रूप से यहाँ पे हर खेल की प्रतिभा बाहर निकल कर आए। ये हमारी शुरुआत है, हमने एक मैराथन खिलचीपुर मैराथन लगातार 2 वर्षों तक आयोजित की है, तीसरे वर्ष में भी आयोजित करेंगे, और उसके साथ साथ ये खिलचीपुर प्रीमियर लीग को भी एक व्यवस्थित चैनल के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे, ताकि ये लगातार हमारे क्षेत्र में संपन्न हो, क्रिकेट के लिए हमारे लिए एक ये परमानेंट सालाना टूर्नामेंट बन जाए, ऐसे ही हमारा प्रयास है, और प्रयास संभव सफल तभी है जब आप लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें मिलेगा, आप लोगों का सहयोग इसमें मिलेगा, तभी हम इस मामले में सफल हो पाएंगे। आपने इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित होकर सफलता हमने प्रदान की, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मंच पे विराजमान है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।